शेर अकेला ही आता है। Hi guys, how you? Welcome to Noob Master 609। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज हम जिससे बात करने वाले हैं, जिनसे, वो एक बहुत ही दिग्गज वॉइस आर्टिस्ट हैं, बहुत ही फेमस हैं, और इनकी आवाज आपने रजनीकांत सर की आवाज के साथ और भी कई हॉलीवुड और साउथ के किरदारों में सुनी होगी, जैसे रॉबर्ट रॉनी जूनियर शेरलॉक में, माइकल कीटन की आवाज होमकमिंग में, यू जैकमैन, मॉर्गन फ्रीमैन, जेक जिलनहॉल, कार्स, बॉस बेबी जैसे कई अलग अलग फिल्म्स में, साउथ के कृष्ण मुरली तेलुगु कॉमेडियंस की आवाज में, या कई एड्स में, या विन डीजल से लेके टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज, बेनेडिक्ट कम्बरबैच से लेके इन सभी फेमस किरदारों को हिंदी आवाज दी है सर मयूर व्यास ने। सर थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने दर्शकों से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड भास्कर टू ऑल योर व्यूअर्स एंड फैंस। जी सर, हाय एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर। तो सर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, आपका कुछ क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको सर ऑलमोस्ट 20 साल होने को आ गए, 2001 से आपने डबिंग का जो ये सिलसिला शुरू किया था, और अभी 2021 में आपकी नेक्स्ट फिल्म जो है मास्टर, उसमें आप विजय सेतुपति जी की हिंदी आवाज दे रहे हैं। तो सर इसमें कैसा रहा ये पूरा सफर, और 2001 से लेके अभी तक डबिंग में क्या क्या परिवर्तन आया है, और लोगों का अटेंशन कैसे वॉइस आर्टिस्ट की तरफ आया है वो सर? ये सच कहूं तो ये जो पूरा पेंडेमिक चल रहा था और लॉकडाउन था, उसके बाद ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। जी सर, साउथ की जो फिल्म है मास्टर। जी सर, हीरो विजय और विलन भी इसमें विजय है। जी सर, विजय सेतुपति है। हाँ जी, विजय सेतुपति जी के लिए मैंने पहले भी डब किया हुआ है। जी सर, आई थिंक जलिकट्टू और एक और फिल्म थी जुंगा। जी सर, ये तमिल से हिंदी हुई थी जब। जी सर, तो बट इसमें बिल्कुल अलग सा किरदार है। जी सर, विलन है पर एक लवेबल जैसा विलन है, मतलब आपको कैरेक्टर भी पसंद आएगा। हाँ जी सर, उनकी नेगेटिव कैरेक्टर होने की एक वजह है, एक बहुत ही जस्टिफाइड रीजन दिया हुआ है। जी सर, और बहुत सहज उनकी जो एक्टिंग है। हाँ जी सर, ये बहुत तो बड़े प्रोजेक्ट मेरे लॉकडाउन के बाद हुए, उसमें से ये एक है। चेन्नई जाकर के मैंने इसको रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। संकेत मात्रे जिन्होंने विजय की रिकॉर्डिंग की है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। जी सर, और संकेत और हम लगभग एक दिन ऑलमोस्ट साथ में थे, आधा दिन स्टूडियो में भी। जी सर, सो वी स्पेंट अ रियली गुड टाइम, इट वाज ग्रेट रिकॉर्डिंग फॉर अ वेरी 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 अकॉम्प्लिश्ड एक्टर लाइक विजय सेतुपति। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया एक्टर हैं और मजा आया ये डब करके। जी सर, सर नेक्स्ट सवाल सर, 2001 से लेके 5-6 तक आपने छोटे मोटे किरदारों को टीवी में, एड्स वगैरह में, या गुजराती में आपने धोनी जी को या आमिर खान जी को जैसे आवाज दी थी गुजराती एड्स में। सर 2007 के अराउंड शिवाजी द बॉस रिलीज हुई, और तमिल तेलुगु ऑडियंसेस से काफी हैवी रिस्पांस, और फिर हिंदी ऑडियंस से इतना हैवी रिस्पांस मिला कि फिर जो प्रोडक्शन थी उन्होंने हिंदी में डब किया, लेकिन लेट हो गए थे इसलिए टेलीविजन रिलीज ही कर रहे थे, और स्वानंद किरकिरे जी जो है वो लिख रहे थे डायलॉग्स, और उनसे किसी जानने वाले से के थ्रू आप को ऑडिशन मिला। सर अनिल कपूर जी ने भी आवाज देने की कोशिश की थी, पर आपकी आवाज सर रजनी सर के लिए सिलेक्ट हुई थी। सर जब सबसे पहले आपको पता चला कि आपकी आवाज सिलेक्ट हुई है, और फिर आप सिलेक्ट हो गए, फिर आप डबिंग की, तो आपको कैसा लगा, और सर ऑडियंस का सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपकी आवाज और रजनी सर के फेस पे? अभी मैंने ना आज तक कोई सोशल मीडिया पे या बाहर जो एक सीक्रेट नहीं बताया। जी सर, वो मैं भास्कर आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। बात यह है कि हमने जब ये ऑडिशन करके और कुछ सीन करके भेजे चेन्नई, जी सर, शंकर सर और रजनी सर के अप्रूवल के लिए, जी सर, तो स्वानंद एंड जितेंद्र किरकिरे एंड द एंटायर टीम दे वर सो कॉन्फिडेंट, ये एकदम परफेक्ट मैच है। अभी तक जो क्लोजेस्ट मैच उन लोगों ने वहां वॉइस सैंपल करके भेजे हैं उनमें से सबसे क्लोज मैच है, और ये होगा ही होगा। हाँ जी सर, तो हमने वेट नहीं किया कि वहां से अप्रूवल आए उसके बाद शुरू करेंगे, हमने फिल्म का डब होना शुरू कर दिया था। अच्छा, स्टूडियो अवेलेबल था, मेरे पास वक्त था,
हमने फिल्म करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट दो रील हम कर चुके थे, तब तक जैसा कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया कि ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बस इसमें थोड़ा सा और एटीट्यूड वगैरह रख के आप कैरी ऑन कीजिए, आप आगे इसको रिकॉर्ड करते रहिए, एंड देन वी वेंट ऑन, ऐसा हुआ। तो मतलब लेकिन जब पता चला कि यस ये गो अहेड मिल गया है जी सर, तो दैट वाज अ बिग डे, ऑलरेडी वी वर इन स्टूडियो, वहीं पे हमको खबर मिली, हमने वहीं सेलिब्रेट किया, हमने वहीं मतलब एक होता है ना कि एक आपको मतलब ये अफर्मेशन मिलता है कि नहीं आप सोच रहे थे कि आपको पॉजिटिव वहां से आएगा ही जी सर, तो वो मिलता है जब, हाँ तो आपको ये लगता है कि नहीं आप मतलब एक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, तो वो बहुत ही हमने एंजॉय किया और सेलिब्रेट ही कर दिया, ये है पूरी पीछे। वाओ सर, सो गुड सो गुड, थैंक यू सो मच सर। जो स्टूडियो होता है डबिंग स्टूडियो, आपने इस पहले भी पहले इंटरव्यूज में कहा था कि 3 से 6 दिन में आपका डबिंग हो जाता है और काफी जो रफ शेड्यूल रहता है, जैसे कभी आफ्टरनून से लेकर मिडनाइट तक कभी आप डब कर रहे थे, कबाली से फिल्मों में आपने 3 दिन में डबिंग खत्म की, कभी 6 दिन लग जाते हैं, तो सर जो स्टूडियो में होता है बिहाइंड द सीन्स कैसा रहता है वहां पे, कि आप डायलॉग्स बोल रहे हैं, आपके साथ और भी आर्टिस्ट होते हैं, कैसा रहता है वो माहौल, कैसा रहता है वहां पे? ये 3 चीजें हैं भास्कर, इसमें क्या है कि स्टूडियो टाइम जो है ना जी सर, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कभी कभी, हाँ जी सर, इफ यू गो टू अ गुड क्वालिटी स्टूडियो जी सर, जो बाकी लोगों को क्लाइंट को हायर पे भी देते हैं जी सर, उनकी 2,500-3,500-4,000 रुपया पर आर की बुकिंग रेट हो, तो स्टूडियो में आपको बहुत किफायती से टाइम का यूज करते हुए आपको काम करना पड़ता है। आर्टिस्ट जो बहुत ज्यादा समय ले रहा है शायद स्टूडियो में, हाँ जी, कोई प्रोडक्शन हाउस उसके साथ काम करना नहीं जाएगा। बिहाइंड द सीन में हम लोग मतलब कहीं ऐसे स्टूडियो में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए, जहाँ वो सब मतलब समझाने को ये सर इसमें ये सीन है वैसा है, ये इतना वक्त नहीं मिलता जी सर। नॉर्मल काम जो होते हैं एज एड के होते हैं, और फिल्म होती है बड़ी, तो उसमें फिर वो कॉस्ट और इन सब चीजों को नहीं देखा जाता, तब समय लेते हैं, तब हम लोग टाइम लेके क्या है कैरेक्टर, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं, नया कुछ ला सकते हैं कि नहीं, जैसे कृष्णा मुरारी पोसानी का नाम दिया आपने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फिल्म में हम उसको एक गुजराती या यूपी टच वाला बना देते हैं, हाँ जी सर, कॉमेडी निकालनी है, जैसे 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 कृष्णा मुरारी सर को जो है वो राजा राजा बोल के कुछ बोलते हैं, उनका डायलॉग जो आता है लव यू राजा ऐसे बोलते जी सर, तो वो ऑलरेडी उनकी एक तकिया कलाम या एक स्टाइल कह लो उन्होंने पकड़ा, और कई कई जगह जैसे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गट्टे उनके लिए, हाँ जी हाँ जी, डेंजरस खिलाड़ी और दो तीन और फिल्मों में, तो कभी ये था कि मतलब अब वो उसको गुजराती कैरेक्टर किया तो बहुत सारी हरकतें उसकी अच्छे से मैच होगी, हाँ जी, फिल्म में हम देख लेते हैं पहले कुछ की, फिर डिसाइड करते हैं कि इसको थोड़ा वैसा टच दे के और ज्यादा इसको इंडियनाइज लोकलाइज करें, हाँ जी, ये सब चीजों के लिए वक्त लगता है। बिहाइंड द सीन में हम वी हैव फन, हम उसको डायलॉग करते हैं, कभी कभी हम जो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है ऐसा कोई फनी डायलॉग भी बोल देते हैं, बाकी लोग हंसते हैं, तो बेसिकली वी हैव लॉट ऑफ फन। हमारे डबिंग डायरेक्टर्स और साउंड इंजीनियर्स जो हैं वो सब बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो ऐसे सजेशंस देते हैं, और कभी कभी तो दो दो तीन तीन ट्रैक एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल ट्रैक बने होते हैं, हाँ जी सर, जो फिल्म में फाइनली नहीं जाते, नहीं जाते, जो डायलॉग बोल दिए हमने या इम्प्रोवाइज कुछ कर दिया, वो कभी कभी जो गया फिल्म में होता है, तो वो अगर आप लोगों को सुनने नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये और ज्यादा मजेदार है, बेसिकली बहुत मजेदार काम है, हम लोग उसको पूरा मजा लेके करते हैं, ये है कि कभी कभी वो टाइम का और उसका प्रेशर होता है जी सर, तो उसकी वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो वहाँ थोड़ा फन एलिमेंट साइड में रख के फिर काम पे फोकस करते हैं, बाकी अदरवाइज फिल्म का या ऐसा कोई बड़ा काम होता है तो उसमें काफी वक्त होता है, तो उसमें हम पूरा मजा ले लेते हैं जी सर। सर वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं वो काफी अंडररेटेड होते हैं, जैसे अभी कितने साल हो गए आपको, ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो गए, लेकिन इवन मी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रजनी सर का, साउथ फिल्म्स का, और रिसेंटली फ्यू इयर्स में जो ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से टैलेंट तड़का जैसे चैनल्स हैं और कई भी ऐसे जगह हैं, तो ये जो वॉइस आर्टिस्ट को जो है वो एक बढ़ावा दे रहे हैं, एक वो दे रहे हैं, तो उसमें सर एक और इशू ये है कि बॉलीवुड में आजकल एक और नया चला है जो रिनोन्ड फेसेस होते हैं, जैसे कोई एक्टर्स हो गए तो वो डब करने चले जाते हैं, जैसे संकेत म्हात्रे जी डेडपूल को डब कर रहे थे, लेकिन सेकेंड फिल्म में रणवीर सिंह ने ले लिया वो,
तो सर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में कि मतलब इसका देखो इसका एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। जी सर, आज लोगों की दिलचस्पी और रुचि और व्यूइंग इसमें बढ़ी है। जी सर, ये वॉइस हो रहा है, ये कौन कर रहा है। हाँ जी सर, तो ये इन स्टार्स की वजह से भी बढ़ी है। जी सर, कुछ स्टार्स हैं जो वाकई में बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। हाँ जी सर, सही अपना जावेद जाफरी हो, जावेद जाफरी जी 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 सर, और बहुत सारे ऐसे राजेश खट्टर जी खुद एक्टर हैं और वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। माननी डे एक बहुत अच्छी वॉइस आर्टिस्ट हैं और एक्ट्रेस भी हैं। जी सर, तो ये जब वॉइसिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं तो दोनों काम को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि सर मेरे यहाँ ये ठीक लगता है, यहाँ लगता है कि नहीं ये दे आर वेलकम। कभी जबरदस्ती का होता है कि किसी ने मतलब बड़ा एक्टर है, नामी एक्टर है, उसको हाँ कोई एक रोल मिल गया और फिर वो कोई डबिंग आर्टिस्ट उससे ज्यादा अच्छा कर पाता, जब हमको थोड़ा सा ये भी लगता है कि हाँ, यार थोड़ा लगता है कि जो हाँ। और तो नाम और पैसा भी जो एक डबिंग आर्टिस्ट को उसी मेहनत के लिए मिलना चाहिए वो चुरा के ले जा रहे हैं, ये फील भी होता है। हाँ जी सर, क्योंकि सर जो डबिंग होती है वो मेरे हिसाब से एक तरीके से एक्टिंग ही होती है, एक आवाज को उस तरीके से मॉड्यूल करना जरूरी है कि किरदार पे बैठे और फिर ऑडियंस को लगे कि अरे वाह, मतलब ग्लूड हो जाए सीट पे कि क्या बोल रहे हैं। मतलब जैसे आपकी आवाज है, मानोगे नहीं आप भास्कर, शुरू में जब लोग मुझे बोलते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कहता था कि मैं रजनी सर की वॉइस करता हूँ, तो बोला नहीं नहीं अरे वो उसकी आवाज है, मैं तो जानता हूँ वॉइस है, रजनी सर की ही वॉइस है, तो लगती नहीं है, वो तो लग ही नहीं रहा है सर। मेरे दोस्त सोचता, मेरे दोस्त भी नहीं मानने वाले सर, मेरे दोस्त भी नहीं मानने वाले। मैं सोचता था कि ये मतलब कैसी तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर मुझे बहुत देर में समझ में आया कि ये मेरे ये इससे बेटर कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मिल सकता। हाँ जी सर, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये डबिंग लग ही नहीं रही। जी सर, शिवाजी द बॉस फिल्म इतनी अच्छी डब हुई, मैंने किसी को कहा कि वो तमिल है, हमने हिंदी में किया है, तो बोला नहीं नहीं वो तो हिंदी फिल्म है। हाँ जी सर, है ना। हाँ तो इसका मतलब ये क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए और मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छी साइन है। जी सर, बाद में मुझे बहुत देर में समझ में आया कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है, इसको उस हिसाब से मुझे लेना चाहिए। मैं पहले शुरू में थोड़ा सा ये हो जाता था कि अरे डबिंग मैंने की है यार, क्रेडिट कोई और ले रहा है। बट डबिंग आर्टिस्ट का काम ही ऐसा है, वो पर्दे के पीछे की आवाज है, तो पर्दे के पीछे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन वी हैव आवर ड्यू रिकॉग्निशन नाउ बिकॉज ऑफ फैंस लाइक यू हु आर हैविंग यू नो दैट प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब चैनल। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। तो इसकी वजह से टैलेंट तड़का हो गया या टैलेंट बकेट हो गया, अब हमारे प्रदीप दास जी भी एक चैनल वो चला रहे हैं, हमारे इंटरव्यूज वगैरह उसमें आते हैं, अब हमको लोग चेहरे से भी जानने लगे हैं, वेबसाइट पे फॉलो करने लगे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे हैं। जी सर, तो बहुत अच्छा लगता है ये सर। सर आप इतने सालों से रजनी सर की वॉइस दे रहे हैं, कई फिल्मों में दे रहे हैं और सर एक सेट हो गया है कि रजनी सर मतलब मयूर व्यास जी की आवाज, साफ बात है। अब सर कोचड़िया नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें रजनी सर ने खुद 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 अपनी आवाज हिंदी में डब की थी, थोड़ा अजीब अजीब लगा था। लेकिन सर उसके बाद दो तीन फिल्में और की काबाली हो गई, काला हो गई, सर ऐसी फिल्मों में आपकी आवाज वापस सुनने को मिली, हमें बहुत अच्छा लगा सर। वो जो टच आया वापस से रजनी सर का, वो जो आपकी क्रिस्प आवाज है सर जो उनके फेस पे बैठती है, हाँ मजा आ जाता है सर। पेट्टा नाम की एक फिल्म थी, उस फिल्म में सर मुझे एक चीज, मुझे भी नहीं सिर्फ पूरे जितने भी आपके फैंस हैं, जितने भी ऑडियंस हैं सर, उस फिल्म में अगर हम टीजर या ट्रेलर को ही देख ले, उस टीजर ट्रेलर में ही तीन अलग अलग रजनी सर की वॉइसेस थी। जब फिल्म देखी मैंने तब फिल्म में आपकी वॉइस तो थी ही नहीं सर, किसी और की ही वॉइस थी, बहुत ही खराब लग रही थी सर। क्या इशू क्या था उसमें कि मतलब आपकी हाँ बता रहा हूँ मैं। जी सर, एक्चुअली मैं उन दिनों कुछ थोड़ा सा बिजी भी था काम में। हाँ जी सर, तो ये अप्रोच नहीं, वंडरदार फिल्म की प्रोडक्शन की ही थी वो भी, मतलब ये रजनी सर के जो प्रोड्यूसर्स अलग अलग होते हैं। जी सर, तो वो प्रोड्यूसर्स के पास वो पूरा डिटेल था। हाँ जी सर, उन्होंने बकायदा मुझे अप्रोच भी किया था। जी और सर, वो मेरे साथ ही करना चाहते थे। हाँ जी, कुछ टाइम के इश्यूज थे, थोड़े पेमेंट और बजट को लेकर के भी इश्यूज थे, मैंने कुछ डिमांड की तो वो उनके बजट में उस वक्त नहीं बैठ रहा था, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ और वो कुछ बहुत जल्दी में उसको करना चाहते थे। फिर बजट का भी इतना इश्यू नहीं था, पर वो कह रहे थे कि मतलब अभी वो विद इन अ वीक ऐसा कुछ डब करके कंप्लीट करना चाहते थे। अच्छा। और उस हफ्ते में मैं वक्त नहीं दे पा रहा था, ऑलरेडी कहीं कमिटेड था।
अच्छा, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया जी सर। तो मुझे लगा कि ये लोग वेट कर लेंगे, वैसे उतना टाइम था कि अगर वो वेट कर सकते, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि दे वांट टू गो अहेड एंड डू इट विद समबडी एल्स। तो आई थिंक उन्होंने धर्मेंद्र गोहिल जी सर, एक आर्टिस्ट है, हाँ जी, बहुत अच्छे थिएटर के आर्टिस्ट हैं, वो भी बहुत अच्छा डबिंग वगैरह करते हैं, हाँ जी सर, भी अच्छी करते हैं, तो उनके साथ में उन्होंने वो फिल्म की थी। अच्छा सर, और मुझे तो ठीक ही लगा, अच्छा ही किया था, लेकिन ये है कि एक वॉइस किसी के साथ जेल हो जाती है, हाँ जी सर, दूसरी वॉइस एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ऑडियंस के लिए मुश्किल होता है। जी सर, वॉइस की एक अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है। और सर मुझे याद है मैंने कमेंट सेक्शन देखे और कमेंट सेक्शन में भरा हुआ था, वी नीड मयूर विया सर, मतलब हाँ, आपकी इतनी डिमांड थी सर वहां पे, और अभी भी रहेगी सर आगे की जितनी भी फिल्मों में आपने इतना सर आपकी एक छोटी चीज कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा सर, आपकी लाफ जो है वो एक एकदम रजनी सर जैसी है सर। और सर कल मेरी थोड़ी सी बात हुई थी आपसे, मैं स्टोन्ड हो गया था, शॉक हो गया था, मुझे दो मिनट पल के लिए एकदम ऐसा लगा कि मैं रजनी सर से बात कर रहा हूँ सर। सर आपने पिछले इंटरव्यूज में कहीं कहा था कि आपका बहुत एक दिली तमन्ना है कि रजनी सर से अगर आप मिल पाए, लेकिन रजनी सर बाहर होते हैं सर, तो आप धनुष सर से मिले थे, उनको बोला भी था कि उनकी मारी फिल्म में आप एक पुलिस कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट रोल डब करते हैं। Correct. तो सर ये साउथ के जो एक्टर्स होते हैं, जैसे धनुष सर देख लेते हैं या कोई और देख लेते हैं, आप जिनसे मिले होंगे, ये रियल लाइफ में भी बिल्कुल ग्राउंड बेस लेवल पे इतने ही सिंपल होते हैं जैसे हमें? बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट धनुष के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज इंट्रोडक्शन हुआ तो मतलब ऑफ स्क्रीन भी स्टार लोग थोड़ा सा कैरी करते हैं अपना वेट। हाँ जी सर, बट ये बहुत ही सिंपल। जी सर, और जितना सिंपल और जितना लेवल्ड और ग्राउंड टू द ग्राउंड ये एक्टर धनुष जो रहता है, जी सर, ये उतना ही उम्दा एक्टर है। जी सर बिल्कुल सर, नेशनल अवार्ड विनिंग तमिल फिल्में, या अभी इसी हफ्ते में मैं एक फिल्म उनकी डब कर रहा था जिसमें वो थोड़ा एजेड कैरेक्टर कर रहे हैं, 2019 की ही रिलीज की सर, असुरन वाली जो फिल्म थी। हाँ जी सर, तो क्या परफॉर्मेंस है बंदे की, मतलब सच अ ग्रेट एक्टर, कोई एयर नहीं, कोई एयर नहीं। हमारे यहाँ बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार हैं जी सर, जो एक्टिंग नहीं है उतनी, जो बस स्टारडम है जी सर, तो उनका वो जो एटीट्यूड और एयर, ऐसा साउथ में नहीं दिखता है। साउथ में लोग कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल हैं जी सर, बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हैं। हाँ जी सर, फॉर दैट मैटर रजनी सर भी हैं। हाँ जी सर, बल्कि मेरा मौका भी बना था एक दो बार मिलने का। रजनी सर काला के लिए जोगेश्वरी में यहाँ बॉम्बे में ही शूट कर रहे थे। हाँ जी सर, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ, मतलब टाइमिंग थोड़ा सा इश्यू ये हुआ जी सर, कि मैं वेट भी करता रहा उनसे मिलने के लिए, मैं पहुंच भी गया था, लेकिन उनकी फ्लाइट कुछ प्रीपोन हो गई थी और उनको मतलब हेल्थ के भी इश्यूज हैं अभी। हाँ जी सर, तो रजनी सर वापस वो अपने होटल चले गए, JW मैरिट में ठहरे थे, वहां से उनको वापस फ्लाइट कैच करनी थी, तो वो मीटिंग नहीं हो पाई, वरना हमने सारा कुछ अरेंज कर लिया था। काला के प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोडक्शन टीम धनुष और इनकी ही है जी सर, तो वो विनय और धनुष और उन लोगों ने पूरा मीटिंग अरेंज किया था, हम मिलने वाले थे, एंड ही एक्चुअली सेड कि प्लीज कन्वे माय अपोलॉजीज एंड सॉरी टू हिम बिकॉज आई वांटेड टू मीट हिम, बट ये सब इश्यूज हैं तो मुझे जाना पड़ रहा है। हाँ जी सर, एंड इनफैक्ट सतीश जी करके हमारे चेन्नई में एक और प्रोड्यूसर हैं, जो रजनी सर के घर आना जाना होता है, जिनका जी सर फ्रेंडली है जी सर, तो उनसे कह के रखा है कि मयूर व्यास चेन्नई में आते हैं और उनके पास वक्त है, तो आप, मैं अगर चेन्नई में रहा विदाउट आस्किंग मी यू कैन गेट हिम टू माय होम। ओहो सर, वाह, गार्डन में उनका बंगला है शायद। हाँ जी सर, तो वो रजनी सर ने कहा है कि कभी भी मैं रहा चेन्नई में एंड ही इज देयर इन टाउन, इस घंटे के लिए भी हो तो आप ले आओ। वाह सर, सर अभी भी ये लॉकडाउन के बाद जब मैं ये मास्टर डब करने के लिए चेन्नई गया था जी सर, तो आई चेक्ड बट रजनी सर वाज नॉट इन चेन्नई। हाँ सर, वो हैदराबाद में अन्नाथे की शूटिंग के लिए गए होंगे शायद। यस, उस टाइम पे जी सर। सर एक और चीज सर, डबिंग जो है एक काफी अलग कला है और सबको ऐसा लगता है कि हम तो कर लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, तो आवाज है, लेकिन
सर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अगर कोशिश कर लूं तो कर पाऊंगा, कभी भारी आवाज में बात करना, कभी धीरे आवाज में बात करना, लेकिन वो चीज सर जो है वो एक स्पेशलाइजेशन होती है जो आप लोग करते हैं। सर 2.0 नाम की जो फिल्म आई थी उसके लिए आपने डब किया था सर, उसमें 4 अलग अलग रजनी सर के किरदार थे, डॉक्टर वसीकरण, चिट्टी 2.0 और कुट्टी जो 3.0 छोटा वाला रोबोट था। तो सर वो एक ही रजनी सर ने किया है चारों किरदार और उसमें आपको वॉइस देनी थी, तो सर वो आपने डिफरेंशिएट कैसे किया कि पर्सनालिटी के थ्रू, या कैसे आपने वो आवाज में वो मॉड्यूलाइजेशन लाया कि एक ही फिल्म में 4 अलग अलग किरदारों को आप डब कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगे कि यूनिक है कुछ? ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत आसान था मेरे लिए वो करना। जी सर। क्योंकि इस तरह ने उसमें ऑलरेडी वो वैरायटी एक्टिंग में ही करके छोड़ी थी। जी सर। सच अ फाइन एक्टर। जी सर। कि उन्होंने वो किरदारों को इतना डिफरेंशिएट करके, ये रोबो है तो वो मशीन है, उन्होंने फ्लैट डायलॉग डिलीवरी से लेके अपने बॉडी मूवमेंट्स या वो ज्यादा ना रखते हुए, तो बस वो मैंने वही सुर पकड़ा है, हमेशा वही फील पकड़ी है, उससे काफी कुछ काम हो गया। दूसरा कुछ प्रोसेस में हम लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए, जैसे पहले पूरी वसीकरण की हम डबिंग शुरू करके करते चले गए, ऑलमोस्ट इंटरवल तक कर लिया, तब तक हमने चिट्टी के कैरेक्टर को शुरू नहीं किया था, हम लीनियर नहीं कर रहे थे, एक साथ एक कैरेक्टर की फील में, अब वो कैरेक्टर की फील हो गई। हम क्या है कि वसीकरण और चिट्टी के, क्योंकि आपस में काफी डायलॉग है दोनों के, और वो की वॉइस, मतलब मैं ही मेरे साथ बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ कि वो जो फिर मुझे मेरी ही वॉइस जब कान में मिलती थी हिंदी में, तो मैं बहुत कॉन्शियसली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता था, जिससे कैरेक्टर लगे अलग, फिर भी लगे कि नहीं रजनी सर की ही वॉइस है, हाँ जी, लेकिन चिट्टी है। हाँ जी सर। तो जो आदमी आप स्क्रीन पे नहीं भी देख रहा है, या जो हमारी हाउसवाइफ किचन में से सिर्फ फिल्म सुन के एंजॉय कर रही है, उनको भी समझ में आए कि रजनी और मतलब वशीकरण और चिट्टी आपस में बात कर रहे हैं, रजनीकांत और रजनीकांत सेम आवाज में आपस में बात नहीं कर रहे, तो वो डिफरेंशिएट करना जरूरी था। ये सब चीजें दिमाग में रख के इसको प्रोसेस में थोड़ा सा ये करके हमने किया है। जी सर। सर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या होंगे सर? मास्टर के बाद हमें, हम जैसे फैंस जो हैं, जितनी डबिंग ऑडियंस जो है आपकी, जो सब डब कंटेंट देखना बहुत पसंद करती है, स्पेशली अभी जो बॉलीवुड में जो रिसेंटली हुआ है, और अब बॉलीवुड को उतना लोग बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, साउथ की फिल्म्स जो हैं उनको काफी जो है एक पुश बैक मिला है इसमें, और वो आगे जाएंगी अब, और क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस है तो डबिंग में ही, तो सर आप की और क्या क्या हमें आगे देखने को मिलेगा अगर आप कुछ बता सके तो आगे? जरूर जरूर। फिलहाल आई थिंक 24 दिसंबर को एके वर्सेस एके रिलीज हुई है। हाँ जी सर। तो बहुत नया एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए, पूरी फिल्म में मेन कैरेक्टर मैंने डब किया इंग्लिश में। हाँ जी सर। क्योंकि ये इंटरनेशनली देखी जाती है फिल्में नेटफ्लिक्स की। जी सर। तो नेटफ्लिक्स हिंदी कॉन्टेंट सारा इंग्लिश में भी डब होता है। सर मैंने ट्रेलर देखा था उसका इंग्लिश में सर। हाँ जी सर। तो अनिल कपूर साहब की वॉइस करने का मुझे ये मौका मिला, ये भी ऑडिशन किया अनिल कपूर की वॉइस, और फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया अनिल कपूर ने। जी सर। और 2 दिन में हमने कंप्लीट की इस डबिंग को इंग्लिश में। जी सर। स्टूडियो में, और बहुत अच्छा मैच हुआ है ऐसा स्टूडियो में, बाकी लोगों का कहना है। जी सर। तो आप भी देखिए अगर आपको लगता है ऐसा। देखा सर। पहली बार मैंने अनिल कपूर ट्राई किया, मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की। हाँ जी सर। और अच्छा लगता है कि मतलब लोग कहते हैं कि नहीं ये भी अच्छे से मैच हो रहा है, मतलब हाँ जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजनी सर के लिए, बट और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सर एक और, आपकी आवाज इतनी सेट हो गई है रजनी सर के साथ कि सर 2017-18 के अराउंड सर, उस टाइम में मेरा डबिंग के वहां उतना बिहाइंड द सीन्स में या कौन आवाज दे रहा है उसमें उतना ध्यान नहीं था। एक फिल्म आई थी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स, उस फिल्म को मैंने हिंदी में देखा था सबसे पहले कि देखते हैं कैसे लगते, और सर उसमें एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन का एक स्पाइडरमैन जो आता है उसकी आवाज सर आपने दी थी, एंड द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट वॉइस मुझे लगा मतलब एक ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन ऐसी हो गई मेरे लिए कि अगर रजनी सर स्पाइडरमैन होते तो ऐसे लगते, वो टच आया आपकी आवाज में सर, इतना इतना अच्छा लगा सर वो सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना आपने टाइम दिया सर, लेकिन अपनी ऑडियंस को सर थोड़ा सा बताने के लिए अगर आप 2-4 अगर आप डायलॉग कर लेंगे, जैसे शिवाजी द बॉस का आपका डायलॉग था जो फेमस हुआ, मुन्ना झुंड में तो सुअर आ, शेर अकेला ही आता है। ओह माय गॉड सर, ये तो मतलब मेरा अपना ऑल टाइम फेवरेट है। जी सर। और
जिस स्वैग और एटीट्यूड के साथ रजनी सर इसको डिलीवर करते हैं, लेकिन बाकी जो काला में क्या रहे, अरे सेटिंग किया है, सेटिंग किया है, एंगे का बेटा अकेला खड़ा है, हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। जो इसमें जो पावर है, एजेड है रजनी सर, लेकिन पावर में कोई कमी नहीं। जी सर। सर एक आखिरी चीज सर, छोटी सी सर, अगर मैं थोड़ा फॉलो थ्रू आपको दे दूंगा, अगर आप रजनी सर के जैसे आप वॉइस में आप करते हैं वो, अगर आप ये चीज रिपीट करेंगे तो सर मैं अपने चैनल में आप इंट्रो वगैरह में मैं ये लगा पाऊंगा सर। आप थैंक यू सर। जरूर। क्या रे एंटरटेनमेंट चाहिए, नूब मास्टर 619 पे सब्सक्राइब कर, और हाँ बेल आइकन और लाइक बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच सर। आप इतना आपने किया अपने फैन के लिए, अपने सारे व्यूअर्स के लिए सर, हम दिल से हमारी तमन्ना है सर आप ऐसे ही आगे और काम करते रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, और ऐसे ही आपकी जो एवर ग्रीन क्रिस्प मस्त आवाज है सर उसे हम आगे सुनने को हमें मौका मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो गाइज ये थे लेजेंडरी वॉइस आर्टिस्ट मयूर व्यास सर, और ऐसे कई आर्टिस्ट हम कोशिश करेंगे आपके लिए लाना, और आप रिकॉग्नाइज करें वॉइस आर्टिस्ट को ज्यादा, जिससे थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।